बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 में हम जो आज टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। फर्स्ट, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर सच एज डेड लीव्स इन दिस सॉइल और रोटिंग ट्री ट्रंक इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स रिलीज करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स ऐसे इंजाइम्स होंगे जो सेल से बाहर रिलीज होंगे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। और जब डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो हैं ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे तो जो डाइजेशन से सोलुबल प्रोडक्ट्स निकलेंगी उन्हें सेप्रोफाइट जो है अपने सेल्स में अब्जॉर्ब कर लेंगे। बैक्टीरिया जो हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड बॉडीज जो होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की उनके ऊपर डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज करते हैं। और वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज में जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को ब्रेक करेंगे और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से नाइट्रेट्स रिलीज होंगे। इन नाइट्रेट्स को सॉइल से प्लांट्स की रूट्स अब्सॉर्ब कर लेंगी और प्लांट्स के अंदर जाने के बाद ये नाइट्रेट्स अमीनो एसिड्स में चेंज होंगे और फिर अमीनो एसिड से प्लांट प्रोटीन्स बनेंगी। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प मिलेगी। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक लिविंग होस्ट से फूड लेता है, अपने होस्ट से शेल्टर भी लेगा और रिटर्न में अपने होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज होस्ट बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट जो होता है वो खुद को होस्ट के साथ अटैच करेगा और फिर होस्ट से नरिशमेंट ऑब्टेन करेगा और नरिशमेंट ऑब्टेन करने के लिए जो पैरासाइट होगा उसके अंदर सक्कर्स होंगे और ये सक्कर्स जो है होस्ट प्लांट के वेस्कुलर टिश्यू में चले जाएंगे और वहां से फूड भी अब्सॉर्ब करेंगे और वाटर भी अब्सॉर्ब करेंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हम एक फंगस की एग्जाम्पल दे सकते हैं पक्सीनिया की। पक्सीनिया जो है ये रस्ट डिजीज कॉज करती है वीट प्लांट पे और जो पक्सीनिया है ये होस्ट प्लांट जो है उसके वेस्कुलर टिश्यू से फूड और वाटर को अब्सॉर्ब करती है। इसी तरह से एक प्लांट भी है डोडर प्लांट जिसे कसकुता भी कहते हैं। ये एक पैरासिटिक प्लांट है लीफलेस होता है जिसकी ये डायग्राम बनी हुई है। इस प्लांट की स्पेशल रूट्स होती हैं हस्टोरिया और वो हस्टोरिया होस्ट प्लांट के वेस्कुलर टिश्यूज में जाने के बाद होस्ट प्लांट के वेस्कुलर टिश्यू से फूड भी अब्सॉर्ब करेंगी और वाटर भी अब्सॉर्ब करेंगी। नेक्स्ट एसोसिएशन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोसिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इट इज एन इंटीमेट लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे इट इज अ म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एसोसिएशन विथ वन अनदर। दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज। सिम्बायोसिस में सबसे पहली एग्जाम्पल है लाइकन्स। लाइकन जो है ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है एल्जी और फंजाई में। इस एसोसिएशन में एल्जी जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्टनर होगा और एल्जी फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करके उस फूड का कुछ पार्ट फंगस को देगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होगी उसे भी फंगस रेस्पिरेशन में यूज करेगी और फंगस जो है वो एल्जी को प्रोटेक्शन देता है मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फंगस जो है वो रेस्पिरेशन करेगी और उस रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उसे एल्जी फोटोसिंथेसिस में यूज करेगी। नेक्स्ट एसोसिएशन इज माइकोराइसी। इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जो होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स को कहते हैं।
और जो फंगस होती है वो रूट की आउटर सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। इसके अलावा ये फंगस सॉइल के अंदर भी स्प्रेड होगी और ये फंगस जो है रूट के सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स की जो अब्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी और प्लांट की ग्रोथ जो है वो बेटर हो जाती है। और रिटर्न में प्लांट जो होता है वो फंगस को कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एसोसिएशन इज लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे पी है, बीन्स वगैरह होते हैं, इन प्लांट्स की रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं राइजोबियम, और ये राइजोबियम जो है एयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं और उन नाइट्रेट्स को प्लांट्स अब्सॉर्ब करेगा प्रोटीन्स बनाने के लिए। और रिटर्न में प्लांट जो है वो राइजोबियम को शुगर्स भी प्रोवाइड करता है और अपनी रूट्स के अंदर हैबिटेट भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवरस प्लांट्स। देर आर अ फ्यू प्लांट्स डेट सप्लीमेंट देर इनऑर्गेनिक डाइट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी इनऑर्गेनिक डाइट जैसे नाइट्रेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, मिनरल आइंस वगैरह सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं। इसके अलावा ये प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी सप्लीमेंट के तौर पे या एक अजाफी सप्लीमेंट के तौर पे से अब्सॉर्ब करते हैं। और जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करेंगे और बाद में इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके इन इंसेक्ट से प्रोटीन्स ऑब्टेन करते हैं। और जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं ये ट्रू ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ऐसी सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं जहां पे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की डेफिशिएंसी होगी, इसीलिए ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के लिए इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। अगर ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप नहीं भी करेंगे, उन्हें डाइजेस्ट नहीं भी करेंगे, फिर भी ये सर्वाइव करेंगे, लेकिन इनकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आता है। और जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं या तो वो खुद एंजाइम्स प्रोड्यूस करके इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं या फिर इन प्लांट्स का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बैक्टीरिया के साथ और ये बैक्टीरिया जो है इंसेक्ट्स के अंदर जो प्रोटीन्स है उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट्स में जो हम सबसे पहली एग्जांपल स्टडी करेंगे वो है पिचर प्लांट की। जो पिचर प्लांट है इसका जो लीफ होता है वो मॉडिफाई हो जाता है पिचर के अंदर और इसके लीफ के एंड के ऊपर एक हुड बन जाती है जो कि पिचर के माउथ को कवर कर लेगी। और ये जो पिक्चर है ये पार्शली फिल होती है वाटर के साथ। इसके अलावा इस पिक्चर के अंदर स्टिफ ब्रिस्टल्स यानी सख्त कांटे होते हैं और एक दफा अगर प्रे जो है वो इस पिक्चर के अंदर चला जाएगा तो फिर वो ट्रैप हो जाएगा, बाहर पिक्चर से नहीं आ सकेगा, क्योंकि एक तो वो वाटर के अंदर गिर जाएगा, इसके अलावा जो स्टिफ ब्रिस्टल्स हैं वो भी उसे ट्रैप कर लेंगे और हुड भी पार्शली क्लोज हो चुकी होती है और इस पिक्चर के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो कि इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेशन से जो अमीनो एसिड्स रिलीज होंगे कुछ अमीनो एसिड्स को बैक्टीरिया अब्सॉर्ब कर लेंगे और कुछ को प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेंगे। इस तरह से ये प्लांट जो है इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज वीनस फ्लाई ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये भी एक इंसेक्टिवरस प्लांट है और जो इसका लीफ होता है उसके टू लोब्स होंगे और इस लीफ के मार्जिन्स के ऊपर स्टिफ ब्रिस्टल्स लगे होते हैं, हार्ड किस्म के कांटे लगे होते हैं। और जब इंसेक्ट जो है इस लीफ के ऊपर सेंसिटिव हेयर्स जो होते हैं उन्हें टच करेगा तो ये दोनों लोब्स जो है टर्गर चेंजेस की वजह से फौरी तौर पे क्लोज हो जाएंगे और ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं ये इंटरलॉक हो जाते हैं और इंसेक्ट जो है लीफ के अंदर ट्रैप हो जाएगा। और लीफ की सरफेस के ऊपर ग्लैंड्स होंगे जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर लीफ की सरफेस से ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन होती हैं ये अब्सॉर्ब हो जाएंगी। और लास्ट एग्जांपल है सनड्यू। जो सनड्यू है इसका जो लीफ होता है उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं और हर टेंटिकल के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और ये ग्लैंड जो है स्टिकी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। और जब इंसेक्ट जो है इस लीफ के ऊपर आके बैठेगा तो वो बिल्कुल लीफ के साथ स्टिक हो जाते हैं और इसके बाद इस लीफ की ऑर्डर भी ऐसा होता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं इस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा तो
ये लीफ जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि इंसेक्ट की प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेंगे, और फिर लीफ जो है अपनी सरफेस से इन डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को जो है अब्सॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। एनिमल्स मस्ट हैव द सप्लाई ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स एंड मैनी अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो वाटर और ऑक्सीजन है ये अबंडेंट सप्लाई में प्रेजेंट है, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रेयर होते हैं और एज सच एनिमल्स को अवेलेबल भी नहीं होते। जैसे सिंपल शुगर्स जो है स्टार्च की फॉर्म में अवेलेबल होंगी, अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इसमें जो सिंपल शुगर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स होते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज होंगे। जो अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं और शुगर्स हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में इनकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जो विटामिन्स हैं इन्हें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही विटामिन्स और इसके अलावा मिनरल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। विटामिन्स जो हैं और मिनरल्स जो हैं ये को फैक्टर का काम करेंगे। जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन से डाइजेस्ट होंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में। जैसे प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक होंगी, स्टार्च शुगर्स में ब्रेक होगी और लिपिड्स फैटी एसिड्स में ब्रेक होंगे, और इसके बाद ये कंपाउंड्स जो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे और फिर ब्लड सर्कुलेशन के जरिए बॉडी के हर सेल को सप्लाई होंगी। कुछ डेफिनेशंस स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन को हम डिफाइन करेंगे टेकिंग इन ऑफ कंप्लेक्स फूड। सेकंड डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे प्रोटीन्स जो हैं, जो मीट, फिश और एग्स में प्रेजेंट होती हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन से ये प्रोटीन्स जो हैं अमीनो एसिड्स में ब्रेक होंगी, तो ये डाइजेशन का प्रोसेस होगा। डाइजेशन की टू टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है इंट्रा सेलर डाइजेशन। इंट्रा सेलर डाइजेशन में जो सेल्स एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं सेल्स के अंदर डाइजेशन होगी। तो इंट्रासेलर डाइजेशन को हम डिफाइन करेंगे, इन इंट्रासेलर डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स विद इन दी सेल्स। और सेकंड है एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन में जो सेल्स एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे वो एंजाइम्स उन सेल्स से बाहर आकर डाइजेशन करेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स में स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, और वो गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल से बाहर आ जाता है स्टमक के ल्यूमन में, और वहां पे आके प्रोटीन पार्ट जो है फूड का उसे डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह की जो डाइजेशन होगी उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन। थर्ड अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन इज द अपटेक ऑफ द डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइजेस्टिव रीजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू सेल और इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी अब्सॉर्प्शन में जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो एलिमेंट्री किनाल से निकल के ब्लड सर्कुलेशन में और फिर बॉडी के हर सेल तक चली जाती है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे अब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट इज असिमिलेशन। जब डाइजेस्टेड फूड जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करे या हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज हो तो फिर इस प्रोसेस को हम कहेंगे असिमिलेशन। असिमिलेशन को हम डिफाइन करेंगे, असिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल्स। और लास्ट है इजेशन। जब अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी तो उस प्रोसेस को हम इजेशन कहेंगे। तो इजेशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी। नाउ वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, गिव एन एग्जांपल। सेकंड, व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, गिव एन एग्जांपल, डिफाइन लाइकेंस। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर माइकोराइजी। फिफ्थ, हाउ पिक्चर प्लांट कैप्चर इंसेक्ट्स एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। सिक्स्थ, हाउ वीनस फ्लाई ट्रैप कैप्चर इंसेक्ट्स एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। सेवन, हाउ सनड्यू कैप्चर्स इंसेक्ट्स एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। एट, डिफाइन इंजेशन एंड डाइजेशन। एंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज
डिफाइन असिमिलेशन एंड इजेशन. स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ अवर टूडेज टॉपिक. अल्लाह हाफिज़.